नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि एटले कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करावे छे ने वातो करे छे अंतरंग। आज आपनी साथे एक एवं कैरेक्टर, मने लागे छे के नाम एकमात्र परिचय है, जुबिन नौटियाल। जुबिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। वो वक्त में बर्बादी नहीं करता जी, ये नहीं नहीं सीधा आ जाता हूँ बात पे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है जी। सिर्फ 24 मिनट का ये शो है, दो ब्रेक बीच में आएंगे, 8-8 मिनट के 3 स्लॉट रखेंगे। ये जो नॉर्मली बताता ना, वो मैं बता। केबीसी में मेरा स्वागत है। हाँ यस, ओके जुबिन जी, अगेन वो वाला सवाल कि लाइफ का हर एक बंदा जब छोटा होता ना, तो उसका एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है कि यार, या तो पापा एक ड्रीम बना देते हैं, रिलेटिव्स बना देते हैं, टीचर अपना ड्रीम बना देते हैं। क्या जुबिन जी का यही ड्रीम था कि बड़ा होकर मैं सिंगर ही बनूंगा, और सिंगर बनूंगा तो कौन से लेवल पे जाऊंगा, क्लासिकल, फिल्म, क्या? डेफिनेटली संगीत से मुझे कनेक्ट तो मेरे पिता ने करा, बहुत छोटा था, 4-5 साल का जब मेरी लाइफ में संगीत आ गया। पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैंने बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करा, मैंने उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करी। मैंने MBA में डिग्री ली। माई मदर इज़ अ बिजनेस वूमन, पापा पॉलिटिक्स में शौक रखते हैं। उसके अलावा मैंने नेशनल में जाके शूटिंग करी, मिक्स मार्शल आर्ट सीखा, ब्लैक बेल्ट ली, शॉर्ट पट, डिस्कस, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स खेले। सो बहुत सारी चीज़ें करी। पर फिर भी घुमा फिरा के मन उस एक आधे एक घंटे पे आ जाता है, जो सोने से पहले मैं अकेले रूम में गिटार पे बैठा हूँ। संगीत जिसे बोलते हैं ना, वो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि पैशन, मैंने बीच में मुझे कुछ मिल गया तो मैं उस पर, संगीत वॉज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। मतलब कुछ भी है, संगीत तो है ही। तो सब कुछ करने के बावजूद अभी यहाँ पहुँचे और हमने रियलाइज़ करा कि अभी यही है जिसमें खुशी मिलती है, यही है जिसमें सुख मिलता है। इसमें अगर लाइन बनाई जाए, इसमें करियर बनाया जाए, तो 10 साल ज़्यादा मुस्कुराऊंगा। करियर बनाने में ऑलवेज यही होता है कि कंपटीशन इतनी है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी बोला भी होगा कि MBA किया है, जो भी नहीं, डोंट डू दिस, वहाँ इतना सारा कंपटीशन है यार, तू करेगा? फिर भी आपने अपने आप को मना होगा, कुछ नहीं तो MBA तो किया, तो कहीं ना कहीं तो काम तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बिजनेस चालू कर देंगे। कॉम्पिटिशन होने के साथ साथ एक एक डाउट भी आता है। कॉन्फिडेंस हर एक आदमी का होता ही है अपने आप में कि यार मैं दुनिया जीत लूँगा, लेकिन अंदर से एक डर भी होता है। वो कभी डर भी महसूस किया जुबिन जी ने? मेरी माँ, बेसिकली मेरी माँ ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है लाइफ में, मैं बस उसी की एक, जिसे बोलते हैं, उसी का एक रिफ्लेक्शन हूँ। पिता को फिर भी हो जाता है थोड़ा सा कि यार पता नहीं बॉम्बे भेज रहे हैं, बेटा कर लेगा नहीं कर लेगा, एक बार के लिए आएगा उनके भी मन में कि यार ऐसा ना हो बाद में निराश हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है। मम्मी को सो कॉन्फिडेंट, मम्मी को था ये कर जाएगा यार, इसकी आंखों में है कि कर जाएगा। सो दैट अगर आपकी माँ आपको देती ना कॉन्फिडेंस, तो आप फिर दुनिया के, आप कुछ ब्रह्मांड जीत जाओ आप, दुनिया तो बहुत छोटी चीज़ है उसके बाद। वो मैंने एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कैसे गाएगा, इसका वेस्टर्न स्टाइल है और ये, इसको ये नहीं आता, इसको वो आता है, ये सब कैसे होएगा? माँ ने बोला कर जाएगा, तो मैंने कहा कर जाएंगे, तो कर दिया। लेकिन इसमें एक बात ये भी होती है, एक सेंटेंस होती है या शायद कोई कहावत है या तो कोई स्टोरी है जो माँ या पापा हमें सुनाते, वो लाइफ टाइम तक याद रहती, कि एक कहानी होती है ऐसी कुछ, या तो कोई ऐसा एक सेंटेंस होता है कि यार ये तो है, जो हर टाइम मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, कभी कोई ना कोई बोलता है कि वो सेंटेंस दिमाग में घुस जाता है। वो माँ ने बस ये बोला कि कभी किसी का दिल मत दुखाना बेटा, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। कितनी बार होता है इंसान के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, पर उसको हमेशा ये समझना कि वो सिर्फ नज़रिए का डिफरेंस है, कोई इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता, सबका सब एक जैसे हैं हम, तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। ये चीज़ मेरे साथ रही है। और एक और ऐसी चीज़ है जो मेरे गुरु ने मुझे बोली थी, वो ये कहा था कि इंसान लाइफ में तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी कुछ कर जाओ, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें, पता नहीं वो बचपन से ही बन गई दिमाग में, कुछ रह गई चीज़ें, तो वो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती हो, सडनली दिमाग में आ जाती हो, मैं अपने आप ही फिर साइड हो जाता हूँ, अपने आप को वापस संभाल लेता हूँ अगर ऐसा लगता भी है। पिताजी ने सिखाया कि स्प्रिंग, जितना नीचे दबाए उतना लंबी छलांग लगानी है। सो वो सब चीज़ें, ये कुछ मुझे लगता है। चलो गानों पे आ जाते हैं। आपने बताया कि वेस्टर्न एक स्टाइल था अपना, या तो टेस्ट था आपका, लेकिन कोई भी सिंगर है हिंदुस्तान में, खास करके सिंगर्स जो भी
कोई कंपटीशन में जाते हैं, क्योंकि एक एरा होता है, एक एज होती है जब आपको कंपटीशन में परफॉर्म करना होता है धीरे धीरे धीरे, तो उस ज़माने के 4-5 सिंगर्स हैं उन्हीं को पकड़ के गाना होता है। रफ़ी साहब है, किशोर दा है, तलत जी है, तो मुकेश जी है, किसको पकड़े थे आप जो जो बैठते थे कि नहीं इनकी आवाज़ उसमें सही फिट बैठ रही है? तो मैं डे वन से देखिए मेरे 4 पिलर बहुत स्ट्रांग रहे हैं, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता ताई, नुसरत साहब, 4 लोगों को बहुत सुना है मैंने बचपन से सुना है, मतलब जब बचपन में खिलौने भी खेल रहा हूँ तब भी पीछे कहीं बज रहा होगा ये, माता पिता भी यही सुनते थे। पर कभी मैंने इन 4 जो मेरे पिलर्स रहे हैं म्यूजिकल लाइफ में इनके भी कभी गाने गाए तो वो मैं अपने स्टाइल में गाए मैंने। ओके। कभी मैंने ऐसा कोशिश नहीं करी कि मैं उनकी तरह गा दूं, क्योंकि मुझे पता है मैं उनकी तरह नहीं गा सकता। पर मैं अपनी तरह जरूर गा सकता हूं, अच्छा है बुरा है जैसा, बट अपना पहले से मतलब ये कहा जाए कि जुबिन खुद अपना रास्ता बनाता है। नो, हाँ जी, किसी को किसी को कॉपी करके आगे आना, किसी का रेप्लिका बनना वो कभी भी सोचा नहीं है, कोशिश भी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं। इसको एटीट्यूड कहा जाए, इसको मुझे लगता है पेशेंस कही जा सकती है। इंसान जब इम्पेशेंट होता है ना तब वो दूसरे को कॉपी करने लगता है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस है और मेरे को पेशेंस है कि आज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ हो सकता है कि इतना अच्छा ना कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर उसको करता रहूँगा परसिस्टेंस से, उस पर काम करता रहूँगा तो वो अपने आप में एक नई चीज़ निकलेगी। फेलियर के बाद सक्सेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछ लिया आपको कि 3 बैठे थे जज, एक ने ना बोल दिया, ये मुझे वो पूछना नहीं है जी, मुझे उसके बाद बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी, बाहर आके तुरंत ही रिएक्ट क्या होगा, गालियाँ तो अंदर से आया होगा, खुन्नस आया होगा, ये वो, हाँ ये मुझे सुनना है थोड़ा, क्योंकि ये शो जाना जाता जी है जी जी। अंतरंग बातें होती है जी जी। इसमें या बाहर आके देखिए ऑनेस्टली वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था रियलिटी शो को लेकर, मुझे पता ही नहीं था कि वो दुनिया कैसे है, उसको वो एक जैसे एक एग्जाम होता ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वैसा है वो, हर एग्जाम की एक तैयारी होती है, मैं मानता हूँ मेरी तैयारी नहीं थी उस एग्जाम के लिए। ओके, एक्सेप्ट करते हैं जी जी बिल्कुल। पर जो चीज़ मेरे साथ रह गई वो माँ का आंसू रह गया, यार इसको बुरा लग गया। मैं और पापा फिर भी समझ सकते हैं बात ना, कि मतलब चलो रियलिटी शो है, क्या है क्या नहीं, बट माय मॉम गॉट वेरी इमोशनल अबाउट इट, दैट स्टेड विद मी सर, एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स आल्सो। कि अभी तो सैड सॉन्ग में ये पकड़ कैसे आई, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हिसाब से सैड सॉन्ग्स में जुबिन जी का खुद का एक क्या वो बहुत नज़दीक लगता है आपको, पर्सनल लाइफ या तो कुछ भी हो, सैड सॉन्ग गाने में शायद सुकून की लगता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप बाइफरगेट करें अपने सॉन्ग्स को तो सैड सॉन्ग सबसे ज़्यादा, तो जब भी सैड आता है बोले एक काम करो जुबिन को बुक करो, ऐसा होता है क्या? हाँ जी हाँ जी होता है, कभी कभी होता है कुछ सैड सॉन्ग्स के लिए डेफिनेटली बुलाते हैं। देखिए सैड सॉन्ग ना एक लौता ऐसा सॉन्ग होता है, जॉनर होता है जो प्लेलिस्ट्स में लोगों के दिलों में बहुत लंबे समय तक जीता है। जैसे कि अब अगर हीर और रांझा की शादी हो जाती, परिवार होता, तो वो हीर और रांझा रहते नहीं, पर तो आपका जो ऐसा इश्क है जो मुकम्मल नहीं हो पाया वो आपके अंतिम क्षणों तक आपके साथ रहता है, चाहे वो बचपन का प्यार क्यों ना हो। सैड सॉन्ग भी उसी की तरह है, जब आप सैड सॉन्ग से अटैच हो जाते तो फिर वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है, हैप्पी सॉन्ग आपका मोमेंट्री होता है, वो आता जाता है। वो सैड सॉन्ग्स मेरे को कुछ ऐसे बैठ गए कि मुझे इतना मज़ा आने लग गया सैड सॉन्ग गाने में कि वो लोगों के दिलों में रहने लग गए, 10-10, 15-15 साल के बाद भी लोग सुनते हैं। True. ये सैड सॉन्ग में आपने जो बताया कि बचपन का प्यार, तो ये क्या, थोड़ी वो वाली भी स्टोरी सुननी है मुझे। सर बचपन में तो सभी के एक ऐसा प्यार होता है जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है, और वो अपने आप में एक ताकत भी देता है आपको। कौन से साल की बात है ये? ये तो स्कूल, मेरे ख्याल स्कूल के आसपास की बात है। कौन से स्टैंडर्ड में? 10th, 11th, एक्चुअली 11th, 12th। Who has proposed? 12th। हाँ जी। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज तो माशूका ही करती है। ओके। पर ठीक है, पहला प्यार था और उसकी उसकी इनोसेंस, उसका जो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं वैसा प्यार वापस चाहूँगा, बट वो वक्त आँख में दिख रहा है वो मुझे जो, हाँ जी क्या है तो जो है वो तो है। जी तो फिर मिलना भी नहीं हुआ फिर बाद में? नहीं नहीं सर, वो देखिए मुझे लगता है कि अभी मिल करके भी ना वो उसकी जो डेप्थ है और उसकी जो इनोसेंस है ना वो कमी होगी,
बेटर वो वहीं था और वहीं ख़त्म हो गया। अब सिर्फ मन होश और आत्मा में है वो बात, वो वहीं पे अच्छी लगती है। वही शायद संगीत की में थोड़ी मदद भी कर देता है। सैड सॉन्ग की अब आपने बात करी तो याद करके आंख बंद करके गा लेते हैं। यार रोकता हूँ, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों जुबी जी साथ है नहीं बात हो बीजा था बक्का माँ एक ब्रेक पछी। विनम्बा फरी का स्वागत है आपको कार्यक्रम अतिथि माँ बीजा तबक्का नहीं बात हो जुबिन नौटियाल जी साथ। प्यार की बातें कर ली जी जी जुबिन जी, जितने ये दिखते हैं ना इमोशनल सैड सॉन्ग गाने वाले, शायद लव सॉन्ग्स भी गाते हैं, बहुत हंसी चेहरे पे रहती है, बहुत सारे लाखों ऐसे दिल है जो इस मुस्कान के लिए तड़पते हैं तरसते हैं। जुबिन जी हर एक इंसान में दो लोग जीते हैं जी, जरूर, जो दिखता है वो और दरअसल में सही है। इस दोनों के पीछे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ऑलवेज फाइट होती रहती है। करेक्ट। एक लेवल पे पहुंचने के बाद जुबिन जी को बिल्कुल हिपोक्रेसी वाला लाइफ जीना पड़ता है। हाँ जी। जो है नहीं वो जी। तो क्या अपने आप में कभी कभी गुस्सा ये वो दबा के झूठी हंसी ये सब? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक अच्छा कलाकार होने के लिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है, और उस कलाकार को अच्छे से ज़्यादा रीच आउट देने के लिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा छल कपट डालना पड़ता है। बहुत ही अलग बैलेंस है ये दुनिया में, और ये सिर्फ एक कलाकार की बात नहीं, मुझे लगता है आज की डेट में सबकी, हर इंडिविजुअल को एक उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ होती है, और एक जो उसकी पब्लिक लाइफ होती है, वही उतना ही रिलेशन है, डिफरेंस है। पर इसमें ना ये हो गया है कि एक बैलेंस क्रैक कर लिया है मैंने कि कितना रहना है और कितना नहीं रहना है। एक बात तय है कि सच बात बोलनी, अगर सच बोलता है इंसान तो कभी फंसता नहीं है लाइफ में, और दूसरी बात यह है कि अपनी इंटेंशन ठीक रखनी है चीज़ों को लेकर के। तो अब मुझे लगता है ये बैलेंस भी बहुत ईजिली हो जाता है। ओके आ जाते हैं वही म्यूजिक वाली वर्ल्ड में जी। किसको ब्रेक मानेंगे आप, एक मुलाकात को या अपने आप को इंस्पायर करने वाला और कोई सॉन्ग था? क्योंकि दुनिया तो बात करी एक मुलाकात जी जी, लेकिन जुबिन जी खुद क्या मानते, कौन सा गाना था जो जिसने वो स्प्रिंग वाली बात, या तो यहाँ तो फटाक दे के जंप किया अंदर से, वो जुनून आ गया था कि नहीं बॉस अब तो ये दुनिया को मैं कवर कर लूँगा? वही जो मैंने आपको बताया ना, वो एक एक्स फैक्टर का हम लोग का शो, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ हंसी मजाक था, खेल था, एक इट्स अ कॉम्पिटिशन। इट गॉट सीरियस फॉर मी बिकॉज आई सॉ माई मॉम क्राई ऑन दैट, नाउ दैट वॉज समथिंग दैट स्टेड विद मी, वो दिमाग में बैठ गई मेरे बात। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैंने डिसाइड भी करा कि ठीक है, अभी तक मतलब अभी तक हम लोग अंडर 20 खेल रहे थे, अभी जाना पड़ेगा वनडे खेलने के लिए इंडिया के लिए। सो हाँ, दैट वाज दैट पॉइंट। तो मैं नहीं मानूंगा कि डेफिनेटली एक मुलाकात मेरा पहला गाना था जिससे मेरी आवाज़ सब तक पहुंची, बट ब्रेक मेरे लिए वही था जो वहाँ से मुझे बाहर करा गया, और वहाँ से मैं बहुत सीरियस हो गया म्यूज़िक को लेकर के। वहाँ मुझे लगा कि अब अगर मन मनाया है और जंग शुरू करी है तो इसको एंड तक देखना पड़ेगा। दैट वाज दैट पॉइंट। एक इंस्ट्रूमेंट हर एक सिंगर के बहुत करीब होता है। आप गिटार प्ले करते हो, चलो वो तो ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक सिंगर चाहता है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जब बताया ना तो मुझे क्या सुकून मिलता है अपने गानों में, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मुझे बांसुरी बहुत पसंद है। मुझे लगता है सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका राजा बांसुरी होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें साथ में आती है, तब जाके वो चीज़ ऐसी बनती है। बट बांसुरी में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है और उससे वो ऐसी बजती है कि ऐसा लगता है कि आसमान तक आवाज़ जा रही है। तो बांसुरी नजदीक है। ओके, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको लगता है कि हिंदी गानों के ऊपर रीजनल सॉन्ग्स, रीजनल म्यूज़िक अभी थोड़ा हावी होता जा रहा है, डू यू फील दैट?
क्योंकि हिंदी सॉन्ग के लिए कंपोजर भी साउथ के होते हैं. जी जी. तो डू यू फील दैट कि रीजनल म्यूजिक या तो उनकी फ्लेवर, उनके सॉन्ग्स थोड़े हिंदी सॉन्ग्स के ऊपर? सर मेरा नज़रिया ये है इसमें कि एक टाइम था पहले जब हिंदी गानों पे ही पैसा लगाया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट मिले, तो फिर हिंदी गाना सुने देता था. बट अभी म्यूज़िक का वर्ल्ड बहुत डाइवर्स हो गया है, अभी हर किस्म के गाने आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग जॉनर से आते हैं, आर्टिस्ट इतने सारे हो, मतलब आप मानेंगे अगर पहले 5 गाने रिलीज़ होते तो अभी 5 लाख गाने रिलीज़ होते, इतना डिफरेंस हो गया. तो जब इतना म्यूज़िक रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली जेन्युइन चीज़ें अपने आप ही उठ करके आने लगती है, और वो यूजुअली रीजनल होती हैं, क्योंकि रीजनल म्यूज़िक में एक सच्चाई है, एक मिट्टी की खुशबू है जो कभी कभी बॉम्बे के गाने मिस कर जाते हैं. रीजनल में आपने गुजराती के साथ, गुजराती में से उठा के एक गाना अपना कर लिया था, वो मैं चाहूँगा कि थोड़ा. तो बेसिकली एक फिल्म है लव यात्री, इसके गाने के जो कंपोज़र हैं वो तनिष्क बागची ने बेसिकली गाना बनाया था. मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया था कि आपने गाना है. मैंने गाया गाना, मैंने कहा इसमें तो बहुत फोक एलिमेंट है, मुझे बहुत मज़ा आया गाना सुन के गाने में. फिर कंपोज़र ने मुझे बताया कि ये गाना इस फोक से ब्रीफ मिला है मुझे बनाने के लिए, और फिर मुझे पता लगा कि वो एक गुजराती फोक था, मोगल आवे नवरात्र केवा केवा वेशीमा, ऐसा एक गाना था. तो वो जब मुझे पता लगा और जब मैंने उसको एक्चुअली गुजराती भाषा में सुना तो मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया गाना सुन करके. मुझे लगा जब वो फोक लैंग्वेज बैठती है गाने के अंदर तो फिर गाना डेफिनेटली. अभी क्या वो थोड़ा याद? जी जी जरूर. आप गा के सुनाओ. आप या प्लीज. नवरात के बाद एक चीज़ आ गई, नवरात लमकम नवरात, कैसे आता मुगल आवे नवरात न केवा केवा वेशे माँ केवा केवा वेशे मुगल आवे नवरात ना केवा केवा वेशे माँ केवा केवा वेशे खन 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 चूड़ी तेरी खन 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 के रे खन 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 के अखलड़ जावे सारी रात नींद ना आवे ना 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 वो अब या एक बात ये भी आती है कि ये मुझे जवाब इसका बहुत सही चाहिए. जी 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 बिल्कुल. नया सिंगर जो भी होता ना, इंडस्ट्री में आता ना, तो होता बहुत लोगों से, मेरी अलग अलग लोगों से जो इंटरव्यूज की उनमें भी उन्होंने बताया था जी. आपके साथ हुआ या नहीं है, और हुआ था तो क्या हुआ था, अगर नाम देना चाहे तो ठीक है जी. होता ये कि स्क्रेच आपसे गवा देते हैं जी. हाँ बिल्कुल. और बाद में पता चलता है 3-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद, अरे यार वो जो गाना था वो तो किसी और ने गा लिया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो बिल्कुल होता ही है. ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है. मैं सब सिंगर्स को ये कहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि जो जीवन है वो होता ही ऐसा है. अब आप जीवन को लेके ये इंडस्ट्री में है ही तो एक्सेप्ट कर लो. हाँ, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, किस इंडस्ट्री में नहीं है ऐसा, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कंपटीशन होता है. कौन सा हुआ था ऐसा, कोई हादसा कहना चाहेंगे आप? मैंने कम से कम 250 स्क्रैचेस गाए जब एक मुलाकात रिलीज होने से पहले. लेकिन जो कहते ना एक कहावत है कि कर्म कर और भूल जा, ये वैसी दुनिया है. क्योंकि आपको नहीं पता जब आप 250 स्क्रैचेस जा रहे हो तो वो 250 स्क्रैचेस आपको क्या दे रहे हैं. आपको लग रहा है हम दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ सीख के आ रहे हैं वहाँ से. हर बार हर म्यूज़िक डायरेक्टर से, हर अलग बंदे का गाना गा करके, अपनी आवाज़ उसकी नज़र से सुन करके, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही. एंड देन सडनली एक ऐसा गाना आएगा जो आप गाओगे और वो आप ऐसा गा दोगे कि फिर वो ऐसा कोई और गा ही नहीं पाएगा. उसको बोलते हैं मेरिट. जो चीज़ मेरिट पे आती है वो लेगेसी बनती है. फिर ऐसे गाने तो चिपकाने वाले तो फिर आप कितने लोग बहुत सारे. यहाँ रुकूंगा, अगेन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का. दर्शक मित्रों, त्रीजा तबका नहीं अंतिम तबका नहीं बात हो, एक विराम बात. विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपका कार्यक्रम अतिथिमा अंतिम तबका निवा. तो जुबिन नोटियाल जी साथ है. जुबिन जी, कोविड की बात करनी है मुझे स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे पता है कि आप
अगर सिंगर नहीं बने होते तो आप हिंदुस्तान के वर्ल्ड के बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते थे जी सर। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी जो क्लास फॉर्मेट में आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। एक दौर ऐसा आया था पूरे विश्व में और खास करके ऐसे लोग की जो कंटिन्यू लोगों के बीच में रहने वाले लोग होते हो आप जी, वो दौर क्या सिखा के गया आपको? वो दौर ये सिखा के गया कि इंसान डस्ट है, इंसान जो है ना वो छोटा सा पार्टिकल है जो किसी भी सेकंड गायब हो सकता है। इंसान को लगता है मैं ऐसा, मैंने ये, पर वो जो वक्त है वो मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, वो सबको यही सिखा के गया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है किसी के साथ। तो जीवन छोटी सी जर्नी है, उसको एंजॉय करा जाए। और जैसी ये थॉट आती है ना, मुझे लगता है बहुत बेटर भी फील होता है और अंदर से एक भाव भी ऐसा निकल के आता है जिसमें आप चाहते हो कि कुछ एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है तो किस तरह से आप किसी और के काम आ सकते हैं। और ये ऐसा टाइम है जिसमें मुझे लगता है सबने ये चीज़ महसूस करी कि किसी भी लेवल पे अगर हम किसी की मदद कर सकें तो ये इतनी सक्सेस यात्रा के बीच में ये डिवोशनल और ये स्पिरिचुअल सॉन्ग्स का क्या है? हटके दिखाना था दुनिया को कि बॉस ये चलता है ना, ये ट्रैक भी मैं कर सकता हूँ, किसी का आइडिया था या खुद ने बोला कि नहीं? अपने पीआर एजेंसी होती है ना, इमेज बिल्डिंग वाले होते हैं, बोले दुनिया ये कर दिया ना, जो भी एक काम कर दो ये कर दो, थोड़ा हटके दिखेगा। नहीं सर, एक्चुअली भजन देखिए एक पूरी जनरेशन है, स्पेशली जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी। देखिए मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहूँगा, पता नहीं शायद बहुत सारे लोग को अच्छी ना लगे, लेकिन आने वाली जनरेशन ना कमज़ोर होती जा रही है, मेंटली वीक हो रही है, फिजिकली वीक हो रही है, क्योंकि दे आर नॉट इन टच विद डिवोशन, दे आर नॉट इन टच विद स्पिरिचुअलिटी, दे आर नॉट इन टच विद एथिकल फैमिली वैल्यूज़। मतलब जो वो एक ज़मीन से जुड़ने वाली बात है, वो एक मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ एक डिसकनेक्ट आ रहा है। और वो उसके पीछे बहुत, अब जब मैं छोटा था तो मैं तो बहुत भजन सुनता था, पीछे बज रहे होते थे मम्मी और सुन रहे होते थे, बट मुझे नहीं लगता कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग के पास ऐसा कुछ है। सो वहाँ से मेरे मन में ख्याल आया कि चलिए थोड़ा सा कुछ, व्हाई नॉट डू समथिंग इन डिवोशन। टी सीरीज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है जिसने इतना डिवोशनल म्यूज़िक करा है, तो अगर इस कंपनी के साथ मिलकर के कुछ डिवोशनल गाने निकाले जाएँ, क्या पता कुछ लोगों को उम्मीद मिल जाए। जैसे कोविड की आपने बात करी, थॉट वहीं से बेसिकली शुरू हुई थी। फिर हमने एक गाना गाया, फिर हमने दूसरा गाना गाया, फिर उसके उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई, बच्चे गाने लगे, छोटे छोटे बच्चे सुनने लगे, जिसे बोलते हैं ना एक ऐसा गाना बनाओ जिससे तीनों पीढ़ियाँ जुड़ जाएं। तो मुझे लगता है एज ए आर्टिस्ट वो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो बस अच्छा ही बटोर रहा हूँ, दुआएं ले रहा हूँ। वो एल्बम का मुझे दूसरा गाना माँ वाला बहुत ही प्लीज मेरे लिए। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, पर्वत पे लगे बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, है काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुपर सुपर सुपर। ओके 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 सर। कोई ऐसी चीज जो आप तक छुपा के रखी है, बहुत कम लोगों को बताइए, गिल्ट फील हुआ, कोई ऐसी चीज है जो जुबिन जी को लगता है कि ये नहीं करना था मुझे, तो शायद आज तक किसी को, बहुत कम लोगों को पता है ऐसी कोई बात, अभी भी गिल्ट कर रहा है? देखिए नहीं, अब तो पुरानी हो गई बात, लेकिन हाँ एक अपनी लाइफ में 12वीं कक्षा में मैंने एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप उठाया था जिसके बारे में मैंने बहुत गिल्टी फील करा काफ़ी समय तक, और मैं एक बेहतर इंसान बन के निकला उसमें से। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हुई थी, वेलम बॉयज़ में मैं पढ़ाई करता था, और हम लोग का सब पूरे बैच का बहुत अटैचमेंट था यूनिफॉर्म के साथ कि ये यूनिफॉर्म हमें पहननी है, हम इसमें अच्छे लगते हैं। स्कूल की किसी कारण की यूनिफॉर्म चेंज हो गई,
मैं और मेरे पांच दोस्तों ने सारी जितनी नई यूनिफॉर्म आई थी 500 बच्चों को निकाल के हमने आग लगा दी और एक्सपेल हो गए, स्कूल से निकाले गए। पर गिल्ट इस बात की नहीं थी, नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, पर जहाँ हमने आग लगाई थी वहीं से करीबन 10 मीटर दूर 11 गैस सिलेंडर पड़े थे जो हमें पता नहीं था। सो वो कहीं भी जा सकती थी बात, वो मतलब भगवान का दया रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहाँ आग वहीं की वहीं कंट्रोल हो गई। बट जब बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ पर ये सा भी हो सकता था, वो इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक बहुत ही बचपने में एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे शायद बहुत सारे लोग ही जान चले जाती, तो उसके बाद में संभल गया। मैंने कहा कभी रिएक्टिव स्टेप नहीं लूँगा लाइफ में। जुबिन जी, फ्रेंड्स के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं और पूछते भी बहुत कम लोग हैं। जी छीछोरे दोस्त जी तो होना ही है, उसके बिना तो जीवन बहुत जरूरी है। जी तो कौन से ऐसे दोस्त है अपने जुबिन जी के, जो मतलब अकेले में बैठते हैं तो जुबिन बोले तू कितना भी शो कर ले यार यहाँ बैठ चल। वो वाला ग्रुप कौन सा है और क्या क्या बातें होती है? जी स्कूल के मेरे बस 2-3 दोस्त हैं, और अभी जो तो मैं हमेशा जिन लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ इस वक्त, जैसे मेरे मैनेजर हो गए रॉकी खन्ना, वो भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, फ्रेंड भी हैं मेरे पूरी तरह से। एक मैनेजर और आर्टिस्ट का रिलेशन ना बिल्कुल हस्बैंड वाइफ टाइप का होता है। True. उतना बिल्कुल जस्ट मतलब आंखों आंखों में बात हो जानी चाहिए इतना वैसा, तो उनके साथ वैसी ट्यूनिंग है। और उसके अलावा मेरे स्कूल के एक दो दोस्त हैं जो जब मिलते हैं तो वहीं, चाहे 5 साल बाद भी मिलेंगे लेकिन वो वहीं से बात शुरू होगी जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी। ओके और सर वही बातें होती हैं सारी नॉटी वाली जो आपको पता ही है, आपके भी तो होंगे कुछ ऐसे। जुबिन जी की 3 प्लस पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? सर मैं स्पिरिचुअलिटी मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मेरी एक अच्छी क्वालिटी है, कि मैं हट के अलग अपने से बाहर रह के सोच पाता हूँ, देख पाता हूँ चीज़ें, कभी कभी नहीं देख पाता लेकिन यूजुअली देख पाता हूँ। और तीसरी चीज़ विल पावर, आई थिंक। ओके, विल पावर इज स्ट्रॉन्ग। ऐसी तीन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूवाइज खुद अभी भी करना चाहते हैं कि ये मुझे अभी भी इम्प्रूवाइज करना है? मुझे थोड़ा सा नींद पे अपनी काम करना है, मैं सोता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, और अभी कम एज में अगर इतना प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लगता है आगे जाके भी प्रॉब्लम होगी। स्लीप इज़ एवरीथिंग, तो नींद पे मुझे वर्क करना है। मुझे अपनी कुछ रिलेशन्स पे वर्क करना है, कुछ ऐसी रिलेशन्स हैं परिवार में जो होता है, हर परिवार में होती है, कुछ रिलेशन्स वर्कआउट नहीं कर पाती, ख़राब हो जाती, तो कुछ ऐसी रिलेशन है जो मैं चाहता हूँ कि मेंड हो, उस पर मुझे वर्क करना है। तीसरी चीज़ लड़की ढूंढनी शादी के लिए। हाँ वही पे आने वाला था, मैं वो लास्ट में रखूंगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी मेकअप करके शो देखते होंगे। कब बोले जुबिन जी की क्या है ड्रीम, क्या है कैसे कैसे लड़की पसंद क्या है, सुनना ध्यान से सुनना। ओके वो आ रहा है पूरा मेनू, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अगर आप में है टिक करे तो मैं मेल आईडी दे दूंगा आपका। अरे सर 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 लड़की मैंने ऐसा इतना ज्यादा नहीं, बुक है बुक है नहीं, डिक्लेयर करना बाकी है खाली। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, पापा राजी किसी को भेजने की जरूरत है? नहीं नहीं नो ना। ओके चलो भाई, ओपन है अभी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऐसा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं बनाया, मैं किसी को जज करने वाला नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर मैं नहीं मानता कि मैं बोलूँ ऐसा मुझे चाहिए ऐसा मुझे चाहिए, सब हर इंसान अपना होता। बट मुझे लगता है ऐसी ही शादियाँ चल पाती जो क्लिक हो जाती है इंस्टेंटली, जिसमें होता है मतलब या तो वो होता है या तो वो नहीं होता। तो मैं सिर्फ इसके लिए दुआ कर सकता हूँ, इसको ढूंढ नहीं सकता, कि दुआ करूँ कि जब मिले ऐसी मिले जो क्लिक कर जाए। इसमें भी कोई टारगेट तो बना होगा ना, घर से भी प्रेशर होगा या? घर से तो प्रेशर काफ़ी है, घर से क्या बहुत हो गया अभी, चलो 1 साल 25 दे दिया होगा डेडलाइन 2025। नहीं सर बस थोड़ा सा करियर अभी थोड़ा सा ऐसा है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है करियर में, मूवमेंट बहुत ज़्यादा, थोड़ी मूवमेंट कम हो जाती है फिर उसके बाद विचार बनाया जाएगा। और कुछ नहीं होगा तो मम्मी को बोलूँगा कि तू ढूंढ ले, मैं सीधा शादी में आ जाऊँगा। पक्का? हाँ जी हाँ जी, अरे माय मॉम नोज एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दर्शक मित्रों, आती खास बात जुबिन नौटियाल जी साथ ली, मने ख्याल छे के आ एक एवा आर्टिस्ट छे के जेनी साथे कदाच आ 24 मिनिट मां एमनी लाइफ जर्नी विषे कदाच आपणे न्याय नहीं आपी शके, बट वी विश के आवनारा दिवसों में ज्यारे पण मौको मळशे त्यारे अनेक अलग अलग विषयोनी वातो आपणे जुबिन जी साथे करीशुं। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आपशो नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। थैंक यू।